एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं मसाला पूरी और उसके साथ शाही पनीर मसाला बिना प्याज और लहसुन के। तो फिर देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको लेना है आटा, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करके इसका एक डो बना लीजिए अच्छे से। थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर लीजिए और उसको साइड करके रख दीजिए। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालिए और उसमें कुछ टमाटर, कुछ काजू, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट बॉईल होने दीजिए। और अभी इसको हमें पेस्ट बनाना है कुछ बॉईल आलू के साथ, इसका एक पेस्ट बना लीजिए। ये देखिए स्मूथ पेस्ट बन चुका है। अभी आपको लेना है एक बाउल, उसमें ऐड कीजिए धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और शाही पनीर मसाला और इसको मिक्स करके रख दीजिए। अभी एक कढ़ाई में आपका जो पनीर का क्यूब्स है वो फ्राई कर लीजिए थोड़ा सा, और उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी ऐड करके अदरक का पेस्ट ऐड कीजिए और उसमें थोड़ा सा ग्रेवी ऐड कीजिए, थोड़ा सा ही ऐड करना है। और उसमें हमारा जो मसाला बनाया था वो ऐड करके इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। थोड़ा सा इलायची का दाना और अभी पूरा का पूरा जो ग्रेवी था वो सब ऐड कर दीजिए और नमक ऐड कीजिए और उसको अच्छे से पकाइए। पनीर का क्यूब्स भी ऐड कर लीजिए, पानी ऐड कीजिए थोड़ा सा गर्म मसाला और आप चाहे तो थोड़ा सा क्रीम और चीनी भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और इसको अच्छे से पकाइए। ये देखिए हमारा ग्रेवी जो है रेडी हो चुका है। अब हम लोग पूरियाँ बना लेते हैं। पूरियाँ के लिए मैंने ऐसे छोटे छोटे गोल्स बना के रखा है दो का और उसको अच्छे से बेल लीजिए, मैंने भी बेल के रखा है। और अभी हम लोग इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा पूरियाँ रेडी हो चुका है, आप लोग भी ऐसे ही बना लीजिए। और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये एक परफेक्ट लंच है, आप लोग लंच टाइम में ये खा सकते हैं। और ये देखिए कितना क्रीमी बना है हमारा शाही पनीर, बहुत अच्छा बना है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा।